हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप लोग मेरे पीछे देखेंगे तो पीछे जो है मेरा चार टॉप रखा है और नीचे जो है दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहां पे जो है ड्यूल की बेस रखे हैं और यहां पे दोस्तों हमारे पास इनका जो है मैंने कम्प्लीट वायर रखा है। आपको ये वायर देखने को मिल जाएगा, इधर जो है कुछ इस टाइप के वायर देखने को मिल जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इस सेटअप का जो है कंप्लीट वायरिंग दिखाने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने इसी सेटअप का सेटअप टूर लेके आया था और इसका जो है टेस्टिंग लेके आया था, तो आप में से कई सारे भाइयों का डिमांड था कि भाई आप इस सेटअप का जो है कनेक्शन लेके आओ, आप कैसे कनेक्शन करते हो, क्रॉसओवर लगाते हो नहीं लगाते हो, आप उसका एक डिटेल्स वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ XLR वायर हैं, XLR2 XLR XLR2 RC, अगर आप लोग इधर देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा स्पीकॉन, जैसा कि मैं स्पीकॉन वाला वायर यूज़ करता हूँ अपने एम्पलीफायर से टॉप बेस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है कंप्लीट वायरिंग। तो चलिए दोस्तों आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट से इस सेटअप का जो है कंप्लीट वायरिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो है मैं आप लोगों को पहले एम्पलीफायर दिखा देता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा बेस का एम्पलीफायर है, आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, और ये है जो दोस्तों हमारा टॉप का एम्पलीफायर है। और साथ ही दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है एक डीजे कंट्रोलर है, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या है मैं आपको अलग से लैपटॉप प्लेयर वगैरह नहीं लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इसमें जो है मैंने इनबिल्ट जो है प्लेयर इसमें फिट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मिक्सर है हमारा, इसका सबसे पहले आप लोग आउटपुट सेक्शन समझ लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पैनल है इसको मैंने कस्टमाइज करके खुद से बनाया है, क्योंकि भाई बार बार फिर अगर मैं ये पैनल नहीं बनाता तो हमारा यहाँ मिक्सर के लिए कटिंग रहता, उससे क्या डस्ट वगैरह अंदर जाता तो वो दिक्कत करता, या फिर दोस्तों जो है कि अगर मैं ये पैनल नहीं बनाता भाई तो क्या है ये मिक्सर का जो इसको पूरा जो है यहाँ मैंने जो रखा है इसको यहाँ सटा के रखना पड़ता, ताकि इसका जो है लीड वगैरह देखने को मिले। तो यहाँ पे दोस्तों सेम मिक्सर का जैसे आउटपुट है वैसे ही मैंने यहाँ पे आउटपुट निकाला है। XLR फीमेल सॉकेट देखने को मिल रहा है दोनों, ये दोनों दोस्तों हमारा इस मिक्सर का जो है मास्टर आउट है। और साथ ही दोस्तों ये जो RCA है ये भी मास्टर ही आउट है, ठीक है। इसको मैंने अपने सुविधा के लिए भाई डाला है, जैसे मास्टर पे मैंने मतलब चार सॉकेट कर दिया है। और ये दोस्तों हमारा इस मिक्सर का जो है बूथ आउटपुट है, ये वाला और ये वाला और ये चारों हमारा जो है इस मिक्सर का बूथ आउटपुट है, ये हमारा मिक्सर का मेन आउटपुट है। सेम टू सेम दोस्तों आपको इस मिक्सर के पैनल में देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों आपको ये दो RCA सॉकेट देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों हमारे जो है मिक्सर के चैनल का तीसरे नंबर का जो है इनपुट के लिए दिया है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोनों चैनल पे है इस प्लेयर का इनपुट है और तीसरे चैनल पे जो है दोस्तों हमारा इसका इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा जो है वायरिंग रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम फटाफट से इनको जो है कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मिक्सर से दोनों एम्पलीफायर को जो है अटैच करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेटअप में जो है हम क्रॉसओवर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमको बिना क्रॉसओवर का ही काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाता है। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से जो है दोस्तों मैंने जो है इस बेस के लिए एम्पलीफायर का जो है क्रॉसओवर ऑन करके रखा है। तो दोस्तों मुझे क्या है अलग से क्रॉसओवर लगाने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या है इस मिक्सर से जो है अपना टॉप का एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरे पास जो है RCA2 XLR है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको क्या है ये जो हमारा मास्टर वाला जो आउटपुट है इसमें क्या है हम इसको डालेंगे, और इसके बाद जो है दोस्तों हम इसको क्या है ऐसे ही दोस्तों हमको इसमें भी डाल देना है चैनल A, और दोस्तों ये हो गया हमारा चैनल B। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा टॉप के लिए जो है कनेक्शन कंप्लीट हो गया। बट दोस्तों ये जो हमारा मेन का जो ये XLR आउटपुट है ये मैंने किस लिए जो है डाला है इस मिक्सर पे, चलिए मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि दोस्तों क्या होता है कि ये सबसे पहले मैं लीड उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये हमारा XLR2 XLR केबल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों क्या हुआ कि चलते प्रोग्राम में जो है मान लो ये लीड हमारा जो है ख़राब हो गया, अब हमारे पास क्या है RCA2 XLR लीड नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वायर है ये वायर को हम जो है निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है दोस्तों हमारे पास XLR2 XLR जो है काफ़ी सारे वायर होते हैं सार्फी या फिर लाइटिंग कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या है इसको जैसे क्या है यहाँ से आउट निकाले और इसको जो है दोस्तों अपने
जो एम्पलीफायर के इसमें जो है इनपुट डाल दिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ए वाला हमारा कनेक्ट हो गया, अब दोस्तों हम हमारा जो बी चैनल है इसमें भी जो है दोस्तों हमारा ऐसे हम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेनिफिट के लिए जो है दोस्तों मैंने लीड लगाया है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो मेन का है आउटपुट, यानी कि देखिए मैं जो है मेन पे टॉप चलाता हूँ, बूथ पे बेस चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को बेस का कंट्रोल अलग रखना होता है और टॉप का कंट्रोल जो है अलग रखना होता है। वो सबका अपना अपना मर्जी होता है। कोई भाई जैसे यहाँ मेन उठाए यहाँ से और मेन से ही टॉप एम्पलीफायर से एम्पलीफायर चेंज कर देते हैं, या फिर कोई क्या करते हैं कि मिक्सर से आउटपुट निकालते हैं और जो है क्रॉसओवर में डाल के फिर उसका लो हाई मिड जो है निकाल के अपना एम्पलीफायर को देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो टाइप से कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपको मास्टर आउटपुट से ही टॉप और बेस चलाना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमने मिक्सर का जो है मेन मास्टर आउटपुट निकाल के हमने यहाँ पे डाला है इनपुट में, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे लिंक के लिए इसमें जो है केबल डालेंगे कुछ इस टाइप से, आप लोग देख पा रहे हैं XLR फीमेल सॉकेट, और इसका जो है दोस्तों ये दूसरा सिरा जो है हम अपने बेस के एम्पलीफायर को दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये हमारा हो गया बेस का एम्पलीफायर कनेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरीका होता है ये कनेक्ट करने का, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि क्रॉसओवर लगा सकते हो, और तीसरा जो तरीका है दोस्तों मैं अपनाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो चलो हमारा मेन जो है कनेक्ट है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस बेस वाले का जो है वायर जो है हम निकाल लेते हैं यहाँ से, हमने इस एम्पलीफायर से जो है निकाल लिया। अब दोस्तों ये जो हमारा बेस का एम्पलीफायर है ये हमारा इस मिक्सर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये सेक्शन जो है हमारा इस मिक्सर का बूथ आउटपुट सेक्शन है, तो इसको जो है दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इसको जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे क्या है, जब मैं डीजे सेटअप प्ले करता हूँ, मान लो ये जो मेरा मिक्सर है, ठीक है, कैमरा फोकस हो जा, तो यहाँ पे ये मेरा मिक्सर है। अब मान लो कोई सॉन्ग जैसे मैं प्ले किया हूँ, यहाँ पे हमारा जो है सॉन्ग जो है चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमारा टॉप पे अच्छा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन दोस्तों हमको क्या है उस सॉन्ग में बेस कम मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ से जैसे बेस को कम ज़्यादा करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि टॉप में जब ओवर प्रेशर पड़ता है जिसके वजह से जो है हमारा टॉप जल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये बूथ का स्विच देख रहे हैं, तो मैं क्या है इससे बेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ सॉन्ग के हिसाब से। तो इसलिए जो है दोस्तों मैं क्या है कनेक्शन मेन और बूथ, मेन हो गया बूथ हो गया, तो दोनों को क्या है सेपरेट सेपरेट देता हूँ। मेन में क्या है टॉप चलाते हैं और बूथ में जो है बेस चलाते हैं। तो यहाँ तक का जो है कनेक्शन दोस्तों हमारा जो है आप लोगों ने देखा यहाँ का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है दोस्तों हमको क्या है एम्पलीफायर से जो है जो हमारा ये टॉप है और बेस है इसको कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। टॉप कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ इस टाइप का भाई वायर लेते हैं, मैं इसी टाइप से वायर का इस्तेमाल करता हूं दोस्तों, स्पीकॉन जो कि बेहद ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये कनेक्शन भाई बोलते हैं कि किस उस पर है, यानी कि पैरेलल है स्टूडियो है, तो भाई जो लोग नहीं समझते हो ये जो कनेक्शन है हमारा ये हमारा स्टेरियो और पैरेलल होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा स्टेरियो कनेक्ट हो रहा है, बाकी जो है दोस्तों हमारा जो टॉप है वो वहाँ पे पैरेलल कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे मैंने चैनल ए पे जो है आउटपुट निकाल लिया है यहाँ पे टॉप के लिए। अब दोस्तों इसको क्या है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा ये वाला टॉप, ठीक है, हमने क्या है इसको यहाँ से इनपुट डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चैनल पे हमारा एक टॉप कनेक्ट हो गया। बाकी दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जैसे 2 ओम पे चलाता हूँ, ठीक है, यानी कि एक एम्पलीफायर से 4 टॉप चलाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या है इस टॉप से आउट लूँगा और हमारा दूसरा जो टॉप है इसको जो है इनपुट हम यहाँ से डाल देंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या है हमारा एक चैनल कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो हमारे पास ये वायर है ये भी हमारा टॉप के लिए है, इसको क्या करेंगे हम कि अपना जो है एम्पलीफायर का दूसरा चैनल से जो है आउटपुट निकालेंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हमने दोस्तों फिर से उसका आउट लिया जो है, और इसके बाद इसको जो है दोस्तों मैं क्या है इस टॉप में अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 3 टॉप का कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों फिर से मैं एक इसी तरह का जो स्पीकॉन टू स्पीकॉन हमारा शॉर्ट वायर है ये वायर मैं जो है लेता हूँ और इसको जो है इस टॉप का जो है हमारा इसको इनपुट देता हूँ और यहाँ से इसका आउट जो है निकाल देते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा चारों टॉप जो है कनेक्ट हो गया है। और ये दोस्तों स्टार्टिंग के जैसे जो भाई स्टार्टिंग में डीजे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने कनेक्शन किया है ये हमारा पूरा पैरेलल है। लेकिन दोस्तों जो हमारा मिक्सर से यहाँ पे आप लोग देखेंगे मिक्सर से और जो हमने एम्पलीफायर को ये लेफ्ट राइट जो है अटैच किया है इसको जो है दोस्तों हमारा स्टेरियो कनेक्शन बोला जाता है। तो अब बचता है दोस्तों हमारा बेस का कनेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है बेस के लिए भी वायर जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा है। अब इसको किया है दोस्तों हम अपने बेस के एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये जो वायर का एक सिरा है इसको जो है मैं अपने एम्पलीफायर के एक चैनल में यहाँ पर आउटपुट निकालूंगा। और यहाँ से दोस्तों जो ये हमारा दूसरा सिरा है इस वायर का इसको जो है हम यहाँ पे इस वाले बेस पे जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये हमारा डुअल बेस है, अब बहुत से भाई के साथ क्या होता है कि उनके पास जो है सिंगल बेस रहता है। तो सिंगल बेस मतलब क्या है दोस्तों, सिंगल एक कैबिनेट के अंदर एक स्पीकर लगा होता है। अब वो बोलते हैं कि भाई आपने इसका तो बता दिया, अब उसका कैसे करें, क्योंकि उसमें क्या है दिक्कत हो जाता है ना। अब इसमें क्या है दो पीस रहता है उसमें चार पीस रहता है। तो उसका भी दोस्तों क्या है, अगर आप सिंगल बेस चला रहे हैं, मेरे पास क्या है दोस्तों ये वायर की कमी इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत करिएगा। जैसे कि दोस्तों कोई भाई सिंगल बेस चलाता है तो इसका जो है यहाँ से वो बंदा आउट निकाल के यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आउट निकाल के अपने दूसरे वाले बेस पे दे गया तो एक चैनल पे उसका दो बेस जो है कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि दो स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डुअल बेस है तो हम इसको लगे रहने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम लगा दिए फिर से जैसे कि तैसे। अब दोस्तों ये जो हमारा डुअल बेस बचा इसको भी हम जो है दोस्तों कुछ उसी तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे एम्पलीफायर का यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये दूसरे चैनल का आउटपुट है, यहाँ हमने इसको डाल दिया। यहाँ से आउट निकालने के बाद जो है दोस्तों हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे अपना जो है एक डुअल बेस पे हमने यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे दोस्तों क्या है हमने जो है चारों टॉप और यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दोनों डुअल बेस और यहाँ पे जो हमारा मिक्सर हो गया, हमारा जो है प्लेयर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इनका सारा जो है कनेक्शन कम्प्लीट कर लिया है। अब बारी आते हैं दोस्तों इनको क्या है पावर सप्लाई देना। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इधर आइए तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे 10 के भी एक स्टेबलाइजर रखा है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए आप चाहे जनरेटर पे करें या फिर मेन पावर सप्लाई से करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड है तो इस एक्सटेंशन बोर्ड को जो है दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो ये वाला जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है दोस्तों हम इसको यहाँ पे रखते हैं अभी क्या है। और जो है दोस्तों ये हमारा मिक्सर का हो गया वायर पावर सप्लाई, इसको जो है दोस्तों हम क्या है एक जगह पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिए। अब दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर का वायर है, ये हमारा टॉप का एम्पलीफायर का वायर है, इसको जो है हम यहाँ पे डाल दिए। अब जो दोस्तों हमारा बेस का एम्पलीफायर का वायर है और इसको जो है दोस्तों हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जो है वायरिंग हमारा हो गया। अब बचा क्या, ये जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का केबल है इसको जो है दोस्तों हम डालेंगे यहाँ पे इस स्टेबलाइजर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने स्टेबलाइजर के आउट में जो है डाल दिया है। अब जो दोस्तों ये वायर जो हमारा बचता है भाई मेन वायर, अब चाहें तो इसको क्या है, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको चाहें दोस्तों तो ये हमारा जैसे फेज वाला वायर है तो इसको क्या है न्यूट्रल फेज देख के हम अपने घर के जो है मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हर भाई के एक दिक्कत होता है क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा करते हो। तो इसको क्या है दोस्तों, ये जो हमने स्टेबलाइजर से वायर लाया है इसको क्या है हम अपने जनरेटर के यहाँ पर ये हमारा फेज वाला इसमें डाल दिए और ये न्यूट्रल वाला जो है हमने इस पर डाल दिए। यहाँ पर जो है दोस्तों हमने फेज वाले को फेज में डाल दिया, न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल में डाल दिया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा जनरेटर और पावर सप्लाई से जो है दोस्तों आज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है कंप्लीट वायरिंग जो है बता दिया है। अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो चलिए दोस्तों हम जो है फटाफट से टेस्टिंग जो है देख लेते हैं। Okay.
आप लोगों ने कनेक्शन देखा होगा, बाकी जो है दोस्तों टेस्टिंग मैंने आप लोगों को पिछला रिकॉर्डिंग ही दिखाया है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी भी आपको टेस्टिंग दिखाता भाई, उस टाइम का भी टेस्टिंग दोस्तों जो है सेम है। एक्चुअल में दोस्तों गांव में होता क्या है कि जैसे मैं क्या है डीजे वाला हूं, अगर मैं अपने घर पे जो है डीजे बजाऊंगा तो यहां पे जो अगल बगल के जो लोग होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिस वजह से क्या है मैंने आज जो है सेटअप ऑन नहीं किया है। बाकी दोस्तों कनेक्शन आपको सिंपली इसी टाइप का करना है, आप चाहे ये कनेक्शन जो है गाड़ी पे चढ़ाने के बाद कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कहीं फ्लोर डीजे लगाते हो आप वहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ दोस्तों बहुत ही सिंपल बिना क्रॉस ओवर के इजी वे पे होता है, तो आप लोग ऐसा कुछ कनेक्शन जो है अपने सेटअप में जो है कर सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा मस्त कनेक्शन है। मैं तो भाई हमेशा से अपने सेटअप को ऐसे ही रन करता हूँ। इन फ्यूचर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई यहाँ पर जब आप यहाँ पर दो डुअल की बेस से जब आप लोग जो है 6 डुअल की बेस लगाते हो तब जो है दोस्तों आपको इस सेटअप में क्रॉसओवर डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ज़रूरत पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप नॉर्मली जैसे 2 डुअल की बेस या फिर 4 सिंगल बेस चलाते हो तो वहाँ पे भाई आप बिना क्रॉसओवर के भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट बहुत मस्त होता है अगर आप अपने एम्पलीफायर का क्रॉसओवर जो है ऑन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब, ये जो लाल कलर वाला बटन दिख रहा है ना भाई, दबा दो, ठोंक दो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो बटन है ना भाई दब जाना चाहिए। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।